नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सनम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश के आखिरी सातवें चरण के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अंतिम दिन झोंकी ताकत और कांग्रेस पार्टी की जुझारू महिला नेता प्रियंका गांधी नहीं उतर पाया। हेलीकॉप्टर पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रत्याशियों ने माल्यार्पण कर रोड शो किया। इसी तरह आम पार्टी ने भी रोड शो, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शंख, कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर बांटे। समाजवादी पार्टी भी जोरदार प्रदर्शन किया। चुनाव प्रचार इस बार बहुत ही कम शोर शराबा में हुआ प्रचार और आज से बिल्कुल थम गया चुनाव प्रचार पूरा। बनारस में पुलिस प्रशासन बना छावनी। बनारस की 8 सीटों को लेकर रोड से गंगा घाट तक छुपे रुस्तम रहे समर्थक। आज आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज ऑल इंडिया। उत्तर ईस्ट ब्यूरो चीफ अनिल कुमार के सरवानी की सुशील प्रधान की कवरेज फतेहपुर से। में खूबी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि चुनाव है। कुछ इस तरीके का आपसी भाईचारे का माहौल है, एकदम लोग शांत हैं, एकदम जिनको जहाँ वोट देना है जाके अपना आसानी से वो लोग वोट जिसको देना है चाहे जिस पार्टी को दे वे लोग जाकर दे देंगे। और आज तो प्रचार प्रसार थम जाना है आखिरी चरण का। दिलशाद जी, हम बता दें आपको
देखिए मतदाता बहुत जागरूक हो गया है, ठीक है, वो बहुत जागरूक हो चुका है। वो कभी जो वोटें होती हैं, जो मतदाता होता है, वो रोड पे नहीं, ये तो आने जाने वाली भीड़ है। जैसा कि अभी यहाँ जो है प्रियंका गांधी को आना था, किसी कारण बस अब जैसा कि जानकारी मिल रही है उनका हेलीकॉप्टर नहीं लैंड हुआ, और किसी कहते हैं कोई कि बाकायदे फोर व्हीलर से आ रही हैं। तो देखिए ये चुनाव थमने का है और कुछ ही मिनट में ये चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। वैसे भी देखिए आप यहाँ देख रहे हैं इतनी चौड़ी चौड़ी रोडें हैं कि ट्रैफिक का कोई मामला नहीं है। और सिद्धार्थ जी आपको बता दें ये काशी नगरी है, काशी नगरी है, भोलेनाथ की नगरी है। यहाँ से हमारे भी संगठन का जो है आगाज हुआ, आपको बता दें प्रेस कोर काउंसिल का भी यहाँ से आगाज हुआ। और सभी लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद होना। रात्रि को यहाँ आए थे जी, जी। तो यहाँ का तस्वीर कुछ और ही नज़र आ रहा था, कुछ किसी और तरीके से सजावट की गई थी। लोगों से हमने बात किया तो लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आकर माल्यार्पण किया, और महज एक दिन बाद यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदल गई, आज का अलग नज़ारा है। तो इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए दिलशाद जी, आपको हम बता दें कि ये काशी हिंदू विश्व परिषद जो विद्यालय है, ठीक उसी के सामने पंडित दीनदयाल मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो रात में आप नज़ारा देखे थे कि ये भगवा कलर में था, और आज इसको देख रहे हैं तिरंगे पे है। तो ये राजनीति कोई ये एक दल के नहीं, कोई एक पार्टी के नहीं है। इस पे जो है अभी आएंगे, इसके बाद जो है इनको अगर समाजवादी पार्टी अगर आए वो अपना इसमें जो है कलर चढ़ा दे तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो राजनीतिक पैतरे हैं, जो नेता आएगा वो अपने हिसाब से करेगा। दिलशाद यानी उस दिन था भगवा कलर में था, और आज जो कांग्रेस का जो पार्टी का जो कलर है उस कलर में ये किया है। अगर वक्त होता सपा वाले आते तो लाल में कर देते, बीएसपी वाले आते तो ब्लू में कर देते। ये महान हस्ती की तस्वीर वही होती, लेकिन विभिन्न पार्टी के नेता वो आते अपने तरीके से यहाँ पर सजावट करते, अपने पार्टी के रंगों के अनुसार सजावट करते और माल्यार्पण कर रहे। तो इसमें कुछ और कुछ समझ में आ रहा है क्या? तस्वीर तो वही है, रंग बदल जा रही है। साथ जी आपको हम बता दें कि ये काशी नगरी है और ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। तो इसमें देखिए वैसे भी यहाँ का नज़ारा अद्भुत है, और यहाँ की जनता इतना जागरूक है, और यहाँ का विकास देखते हुए पहले की अपेक्षा आप बहुत कुछ जो है, ना तो यहाँ कोई ट्रैफिक है ना कोई ऐसे, तो इसलिए जो है इतनी भीड़ होने के बाद भी यहाँ ट्रैफिक जाम नहीं होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन हम लोग किसी नेता और किसी पार्टी के नहीं हैं, हमारे लिए तो सभी बराबर हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसको नकारा नहीं जा सकता है। दिलशाद जी, तो बनारस में खूबी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि चुनाव है, कुछ इस तरीके का आपसी भाईचारे का माहौल है, एकदम लोग शांत हैं, एकदम जिनको जहाँ वोट देना है जाके अपना आसानी से वो लोग वोट जिसको देना है चाहे जिस पार्टी को दे वे लोग जाकर दे देंगे। और आज तो प्रचार प्रसार थम जाना है आखिरी चरण का। दिलशाद जी हम बता दें आपको, देखिए मतदाता बहुत जागरूक हो गया है, ठीक है, वो बहुत जागरूक हो चुका है। वो कभी जो वोटें होती हैं, जो मतदाता होता है।